अच्छा जी, हम पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा स्टेप है कि सिलेक्ट प्रोग्राम सिलेक्शन। पहला स्टेप है प्रोग्राम सिलेक्शन, ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, जो जो उसने पूछा सिलेक्ट कर लिया। हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी जो है अगले उस पे जा सकते हैं, ठीक है। ये जैसे इसको वो नहीं कर रहा कि ये अलाउ नहीं, अभी ये इस पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं। और नीचे से जो है यहाँ पर हम लोग सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, तो यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, टाइम सेम लगेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या है, यहाँ पर से हम लोग इसको जो है वो फिल करते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है मेरा, आपने जो रजिस्टर किया, जो CNIC दिया, वो यहाँ पर लिखा आ रहा है, CNIC इशुएंस डेट ये भी मेरी आ रही है, मेरा नाम भी आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जेंडर भी आ रहा है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 6, और यहाँ पर डाल देता हूँ अप्रैल, और फिर यहाँ पर 2000 जो है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक हो गया। नीचे आके ये जी 2000। अच्छा जी, नेशनैलिटी मेरी पाकिस्तानी है, दीन मेरा इस्लाम है, रिलीजन ठीक हो गया। अच्छा जी, और मदर टंग मेरी सराइकी है, और उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पर हम लोग, लैंडलाइन हमारा है नहीं तो दूसरा मेरा लिखा हुआ है, ये ऑटो फिल हो रहा है, मैंने एक बार अप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है, इसलिए शायद आ रहा है, तो आपने ये चीज़ें लिख रही है। अच्छा, आपको नज़र आई डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो कह रहा है सिलेक्ट करो, नहीं है। ओल्ड वीजू स्टूडेंट नहीं था जी। कंट्री पाकिस्तान है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ परमानेंट एड्रेस सिटी या डिस्ट्रिक्ट वो पूछ रहा है, तो मेरा पिपला सिटी है, ठीक हो गया। अब फादर या गार्डियन की इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पर, फादर का नेम और CNIC नंबर आपने लिख लेना है, ठीक हो गया। फादर या गार्डियन का मोबाइल नंबर भी आ रहा है यहाँ पर, और इसके बाद नेम ऑफ गार्डियन जो है, अगर गार्डियन होता है कि भाई फादर, अगर आपकी डेथ हो गई है, फादर की कोई नहीं, आपका जो सरप्रस्त है जिसके जेर साया आप परवरिश पा रहे हैं या जिसके साथ रह रहे हैं, उसको जो है यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। ये एस्टेरिस्क का निशान यहाँ पर बना होता है, कुछ चीज़ें इस तरह से लाजमी होती हैं, ठीक है, तो वो आपने लिखनी होती हैं, तो ये लाजमी नहीं है। अब है रिलेशनशिप विद गार्डियन, तो ये गार्डियन के बारे में इंफॉर्मेशन है, फादर या गार्डियन। इनकम यहाँ पर इफ़ एनी, अगर फादर या फिर गार्डियन की मंथली इनकम जो है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक हो गया। तो मैंने अभी 0 एंटर कर दी है। अच्छा जी, अगर आपकी कोई है तो आप डाल देंगे। अच्छा, पोस्टल एड्रेस, पोस्ट ऑफिस पिपला तहसील, ये मैंने अपना एड्रेस लिखा हुआ है, और उसके बाद सेम एज अबव ये यहाँ पर, और परमानेंट एड्रेस, और ये मतलब ये है कि हम लोग ये बता रहे हैं कि ऊपर वाले की तरह ये हम लोगों ने फिल कर दिया। आगे एजुकेशन पूछ रहा है जी, मैथमेटिक्स स्टडी एट इंटरमीडिएट लेवल, तो यस जी, मैथमेटिक्स स्टडी की थी। आगे क्वालिफिकेशन, जब रोल नंबर्स वगैरह आपने यहाँ पर एंटर करने हैं जी, यहाँ पर ये यस है। अच्छा जी, आपने अपनी डिग्रीज उठानी है, और उनके ऊपर जो है क्वालिफिकेशन अपनी पहले लिखनी है, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी रोल नंबर रजिस्ट्रेशन, अपने एग्ज़ाम की टाइप कैसा, एनुअल था, सेमेस्टर वाइज था, एग्ज़ाम का साल कौन सा था, टोटल मार्क्स कौन से थे, और ऑब्टेंड मार्क्स कितने थे। अच्छा जी, ये मेरे ऑटो एंटर हो रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाया कि वो मैंने अप्लाई किया हुआ है एक उसमें BS कंप्यूटर साइंस में, पहले स्टेप में मैंने आपको दिखाया था। पहले मैट्रिक यहाँ लिखना है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ लाहौर से मैंने किया था, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये ऑटो, ये आपने एंटर करना पड़ेगा। शायद आपको ढूंढने में थोड़ा मुश्किल भी हो, जैसे ख़ास तौर पर मुझे यूनिवर्सिटी ढूंढने में मुश्किल बहुत ज़्यादा हुई थी। आपने रोल नंबर अपना लिखना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जो है वो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। अगर कोई मसला है तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वाज तौर पर हर रिजल्ट कार्ड और सनद के ऊपर लिखा हुआ होता है। ADP मैंने, अगर आप इंटर तक हैं तो इंटर तक की डालेंगी, मैंने ADS किया हुआ है तो मैंने ADP यहाँ पर डाल दिया, और मार्क्स वगैरह भी डाल दिए। अब जी, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है, बैचलर सब्जेक्ट्स आपका कौन सा था जी, मेरा कंप्यूटर साइंस है। क्या हम एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं? हाँ जी, डाल सकते हैं जी, ठीक हो गया। तब क्या है, बॉटनी केमिस्ट्री ये नहीं थी, कंप्यूटर साइंस था, इकोनॉमिक्स नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी जी, इंग्लिश मैंने स्टडी की है बैचलर लेवल पर, जनरल मैथ भी स्टडी की है जी। अच्छा जी, और क्या, जियोग्राफी की है, मैथ ए मैथ बी ये नहीं की, ठीक हो गया। तो जनरल मैथ मैंने स्टडी की है, अदर फिज़िक्स की है जी, और उसके बाद साइकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स जोलॉजी कोई की है, अगर की है तो आप लोग यहाँ चेक कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ये क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी है भला, ये वो अगर आपकी और भी आगे एजुकेशन है तो आप और सिलेक्ट, मास्टर्स, एमफिल,
कुछ भी है, क्योंकि पीआईडी लास्ट प्रोग्राम होता है। तो अगर आप पीआईडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एमफिल, आप अपनी एमफिल तक जो है एजुकेशन डालेंगे। अच्छा खैर, जो भी है, जो जितनी भी आपकी एजुकेशन है यहाँ पर आप डाल देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जी आर यू एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय है आपकी जॉब है, तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ जी। अब क्या है, अब हम लोग डिटेल, जी यहाँ पर वो हमसे डिटेल मांगेगा, डिटेल डाल देते हैं जी। स्टेटस सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर स्टेटस मांग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे जी, प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट वाला होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्राइवेट सेलेक्ट कर ली। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट टाइप कौन सी है जी, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है जी। अच्छा जी, जॉब सिटी कौन सा है, जॉब सिटी यहाँ पर हम लोग डाल देंगे अपना, मैं यहाँ पी पिपला डाल दूँगा अभी, ठीक है। आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे आपका तहसील आप लोगों ने डाल लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, या जो भी सिटी हो आपने सर्च कर लेना, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तहसील डाल देना। डेजिग्नेशन क्या है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LER के क्लर्क। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यहाँ पर मैं स्कूल में हूँ तो स्कूल का लिख देता हूँ, हायर सेकेंडरी जिन्ना, HIGGER हायर सेकेंडरी SECONDARY सेकेंडरी SCHOOL सेकेंडरी स्कूल PLAN, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या है, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में सैलरी बतानी है जी, सैलरी लिख देते हैं जी, सैलरी लिख दी। अच्छा खैर, आगे वो क्या कह रहा है, प्रायर नॉलेज आपको है कंप्यूटर का, प्रायर कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है, हाँ है जी, बिल्कुल है, कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको बेसिक है तो आपने हाँ लिखने हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप है जी, बिल्कुल है, यस पर क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। जैसे ऊपर यस पर क्लिक किया, नो पर ऐसे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यस पर ही क्लिक रहने देंगे। अच्छा, इंटरनेट फैसिलिटी जी, बिल्कुल है जी। अच्छा जी, कौन सा इंटरनेट है, वो कह रहे हैं DSL है, केबल नेट है आपके पास, ईवो या 3G है या फाइबर है टू होम, मेरे पास ईवो है या 3G 4G नेट है, ठीक हो गया, अक्सर लोगों के पास भी यही होगा। अच्छा जी खैर, आगे चलते हैं, आगे जाएंगे जब हम लोग यहाँ पर, हाउ डिड यू फर्स्ट नो अबाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर VGU की वेबसाइट से, सोशल मीडिया से जाना था, इंटरनेट से जाना था, न्यूज़पेपर से जाना था, रेडियो से, टीवी चैनल से जाना था, के टीवी चैनल से जाना था, केबल नेटवर्क से, बैनर से, ब्रोचर से, VGU कैंपस से, SMS से, कैसे आपको पता चला था, मैं मुझे टीचर से पता चला था, मैंने यहाँ अदर पर क्लिक करके टीचर नीचे मेरा लिखा हुआ है जी, ठीक हो गया। नॉमिनेटिंग डिपार्टमेंट कौन सा है जी, कंप्यूटर साइंस, मैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर और ENGINEERING सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा जी, डू यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर शोहदा कॉन्सेशन, शोहदा कॉन्सेशन जी, नहीं जी, इसके लिए मैंने अप्लाई नहीं करा, अगर आप कहाँ हैं तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे जी, साइट पे क्लिक करके यहाँ पर जो है इधर करेंगे, क्योंकि अगर साइट पे क्लिक ना करें तो ऑप्शन हमारा चेंज भी हो सकता है, सिर्फ सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं, और सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्लिक कर लेंगे, तो इस तरह से हम तीसरे स्टेप पर शिफ्ट हो जाएंगे।